हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन जिसका, और आज मेरे पास है अमेजोन बेसिक्स का 50 इंच वाला लाइट वेट ट्राईपॉड। खासतौर से बिगनर्स के लिए एक सस्ता और अच्छा ट्राईपॉड हो सकता है, बिकॉज जब हम स्टार्टिंग में कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं या फिर फोटोग्राफी में अपना करियर स्टार्ट करना शुरू करते हैं, वहां पर हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं ट्राईपॉड्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये ट्राईपॉड आपको करीब 800 रुपए के आसपास मिल जाता है। तो आज वीडियो में देखते हैं क्या है खास इस ट्राईपॉड में और आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ट्राईपॉड रहेगा या फिर नहीं। तो ट्राइपॉड मिला मुझे कुछ इस तरह के बॉक्स में। बॉक्स की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वाला स्लिप था, इसके ऊपर शिपिंग वाला स्लिप लगाया हुआ था, और बॉक्स की एक तरफ था यहाँ पर अमेजन का लोगो। साथ में यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दिए गए थे, जैसे कि मेड इन चाइना है ट्राइपॉड, साथ में और भी काफी सारे डिटेल्स हैं अलग अलग लैंग्वेज में। और बॉक्स के इस साइड भी एक स्टिकर है जहाँ पर कमोडिटी का नाम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, MRP जो है 995 रुपए, लेकिन ट्राइपॉड आपको 800 रुपए के आसपास amazon.in से मिल जाता है। बेस्ट वे लिंक हमेशा की तरह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर सिंपल सी पैकेजिंग है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। पॉलिथिन हटाएंगे तो अंदर से आपको कैरी बैग मिल जाता है। यहाँ पर एक स्ट्रैप दिया गया है, इसकी क्वालिटी ठीक है और इसके साइज को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप ट्रैवलिंग के दौरान अपने ट्राइपॉड को कहीं भी रख के ले जाने के लिए। जिप की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और इसके अंदर से मेन ट्राइपॉड आपको मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। और फर्स्ट लुक में ही आपको सबसे पहले इसका जो कलर है वो काफी डिफरेंट दिखाई देगा। इस प्राइस रेंज में जितने भी ट्राइपॉड आते हैं सभी में आपको सिल्वर कलर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ब्लैक और गनमेटल ग्रे जैसा कलर देखने को मिल रहा है। ब्लैक कलर की प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, साथ में सेंटर में अमेजन बेसिक्स की ब्रांडिंग भी दी गई है। और ट्राइपॉड के लेग्स तो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, जिसकी क्वालिटी अभी के लिए तो अच्छी लग रही है। साथ में ट्राइपॉड के जो लेग्स हैं 3 सेक्शन लीवर लॉक्स के साथ आते हैं, जो कि प्लास्टिक के हैं। ऊपर की तरफ जो पेन हेड वाला एरिया है, ये भी पूरा का पूरा प्लास्टिक का है, जिसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है। और ट्राइपॉड कैरी करने के लिए काफी कॉम्पैक्ट भी है, 16.5 इंचेस का साइज है जब आप इसको फोल्ड कर रखे होंगे। और जो तीनों लेग्स पर आपको लीवर लॉक्स दिए गए हैं, इनको ओपन कर लेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे तो इसकी लेंथ हो जाती है 50 इंचेस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से आप लेग्स को एक्सटेंड कर पाएंगे, और ये जो लॉक्स दिए गए हैं इनको किसी भी लेंथ पर आप लॉक कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बात है। और ट्राइपॉड का वेट काफ़ी ज़्यादा कम है, आधा किलो से भी कम वेट है ट्राइपॉड के अंदर, और लेंथ तो अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन आप कोई भारी भरकम DSLR कैमरा इसके ऊपर मेरे हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। अरे वाह, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक्सटेंशन मिलता है छोटा सा, तो इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर थोड़ा लंबाई कम पड़ रही है ट्राइपॉड की। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोटोज़ के लिए, वीडियो के लिए, लेकिन भारी भरकम लेंस के साथ, DSLR के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो उतना ज़्यादा स्मूथ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। एक जगह रख कर तो रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा B-roll जैसे शॉर्ट्स लेने हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। और जो पेन हेड है इसकी बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको लेवल इंडिकेटर भी दिया हुआ है जिसके अंदर लिक्विड फील्ड है। और लैंडस्केप के साथ साथ आप पोर्ट्रेट, वीडियो या फिर फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। और प्राइस के हिसाब से जो प्लास्टिक की क्वालिटी है मुझे सही लग रही है। ऊपर की तरफ एक टेक्सचर भी दिया हुआ है जिससे कि थोड़ी अच्छी सी ग्रिप मिल जाए कोई भी डिवाइस अगर आप इसके ऊपर इस्तेमाल करें। बाकी इस तरह से ऊपर नीचे भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, थोड़ा सा लूज़ कर देंगे तो, और काफ़ी नीचे तक ले जा सकते हैं, ऊपर भी काफ़ी ऊपर तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे तो लेफ्ट साइड से यहाँ पर लूज़ करेंगे, और लेफ्ट राइट में 360 डिग्री तक आप इसको मूव कर सकते हैं। और पेन हेड का जो मूवमेंट है ये काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर बिल्कुल भी कहीं भी कोई ट्राइपॉड के अंदर कोई सा भी जर्क नहीं मुझे देखने को मिला, ऊपर नीचे इधर उधर लेफ्ट राइट कहीं भी। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और ये जो क्विक रिलीज प्लेट है केवल सिंगल ही मिलती है, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलती है, एक और मिल जाती तो अच्छी बात थी। मोबाइल फ़ोन होल्डर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, DSLR आप डायरेक्ट माउंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मोबाइल होल्डर चाहिए तो इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 100 रुपये के आसपास मिलता है। और अभी के लिए तो मैं इस ट्राइपॉड को खास तौर से मोबाइल फोन के साथ ही यूज करने वाला हूँ। फाइनली अब मैं बात करूँ इस ट्राइपॉड के बारे में अपने ओपिनियन की, तो सबसे पहले तो वेट काफी ज्यादा कम है, करीब आधा किलो से भी कम का वेट है इस ट्राइपॉड का। सो काफी ज्यादा हल्का है और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट भी हो जाता है अगर आप इसको फोल्ड कर लेंगे तो, कहीं भी आप अपने साथ इसको बैग में डालकर कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। ये जो लेग्स हैं ये एल्यूमिनियम की हैं, क्वालिटी काफी अच्छी है। और अभी के लिए जो ट्राइपॉड मैं यूज कर रहा था पहले से वो था फोर्ट्रॉन का 450, तो उसके कंपेरिजन में लेग्स मुझे थोड़ी सी ज्यादा मजबूत लगी इस ट्राइपॉड की। बाकी इस पेन हेड की जो मूवमेंट है वो भी थोड़ी सी स्मूथ लगी मुझे फोर्ट्रॉन के 450 के कंपेरिजन में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 360 डिग्री का ये मूवमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आप ट्राइपॉड को कुछ इस तरीके से भी
मूव कर सकते हैं और काफ़ी स्मूथ है। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली रिकॉर्ड करेंगे तो आपको वीडियो के अंदर भी जर्क देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा वाइड में रिकॉर्ड करने के साथ साथ पोर्ट्रेट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई टिकटॉक वगैरह पर अगर आप वीडियोज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बड़े आराम से। बस यहाँ पर एक जो दिक्कत नजर आई मुझे अपने इस ट्राइपॉड में वो ये थी कि अभी के लिए जो ट्राइपॉड यूज कर रहा हूँ फोर्ट्रॉन का 450, इसकी हाइट है करीब 4.5 फीट, मतलब कि 4.5 फीट के आसपास। इसकी जो हाइट है वो है 15 इंच और फीट में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 4 फीट के आसपास, थोड़ी सी ज्यादा रहती है। सो मेरे लिए ये फेस रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा छोटा पड़ सकता है। अगर मैं खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करूँ, बैठ कर रिकॉर्ड करूँ तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली। हो सकता है जल्दी एक ट्राइपॉड और खरीदना पड़ेगा जिसकी हाइट हो 5 फीट के आसपास, बिकॉज फोर्ट्रॉन की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है। हो सकता है अमेजोन बेसिक्स का ही जो 60 इंच वाला ट्राइपॉड आता है वो ही मैं खरीदूं। फाइनली अब मैं बोलना चाहूंगा, ये जो ट्राइपॉड है मेरे हिसाब से 800 रुपए के प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जरूर से आप खरीद सकते हैं। एक्चुअली लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और अभी के लिए मैंने इसलिए बोला बिकॉज प्राइस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, amazon.in पर कभी कभी लाइटनिंग डील भी आपको मिल जाती है, तो हो सकता है और कम प्राइस में आपको मिल जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह के YouTube सेटअप से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस लेकर आऊं तो नीचे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। इस करता हूं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात जरूर होगी, तब तक के लिए बाय बाय।